यूरोप को सता रही है तेल और गैस प्रतिष्ठानों की चिंता, ब्रेक करें। नॉर्ड स्ट्रीम लीकेज के बाद यूरोप की चिंता बढ़ी विद द विजुअल्स। पश्चिमी देश मान रहे हैं कि हमला जानबूझकर किया गया, रूस को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराने से बचे हैं ज्यादातर देश। इसके बाद एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में मिला चौथा लीकेज, ब्रेक करें विद द विजुअल्स। स्वीडिश कोस्ट गार्ड ने चौथे लीकेज का पता लगाया, ये देखिए ये लेटेस्ट विजुअल्स है, 40-60 के रेशियो में इसको रखिए, जरा दिखाइए। ये जो आज के एक और विजुअल्स आए हैं बाल्टिक सागर से, फुल फ्रेम एक बार अल्ट्रा शॉट दिखाइए। नॉर्ड स्ट्रीम 2 में लीकेज से और बड़ी यूरोप की चिंता, स्वीडिश इकोनॉमिक जोन के 200 मीटर के दायरे में है लीकेज, ये देखिए आप तस्वीरें, और ये बहुत ही अनसेफ है। इस सब के बीच में एक और खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करें अगली बड़ी खबर, नॉर्ड स्ट्रीम के हमेशा के लिए तबाह होने का डर, ये बड़ी खबर है। पाइपलाइन की रिपेयरिंग को लेकर पूरे यूरोप में भारी चिंता, जल्द ही रिपेयरिंग नहीं हुई तो बर्बाद हो जाएगी नॉर्ड स्ट्रीम, अभी तक शुरू नहीं हुई है पाइपलाइन की रिपेयरिंग। सीधे आइए इस ग्राफिक्स पर, फिर तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट्स के साथ सिन्हा सर के पास चलेंगे। नॉर्ड स्ट्रीम हमेशा के लिए तबाह, यह इंफॉर्मेशन आ रही है, रूसी गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम के हमेशा के लिए तबाह हो जाने का डर सामने आया है। जर्मनी के गवर्नमेंट सर्कल में पाइपलाइन के सीरियसली डैमेज होने की चर्चाएं हैं, जल्द ही पाइपलाइन रिपेयर नहीं हुई तो इसमें जवंदर का खारा पानी भर जाएगा, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। इसके बाद सॉल्ट पाइपलाइन के नीचे बैठ जाने की वजह से रिपेयरिंग नामुमकिन हो सकती है, लीकेज की जांच शुरू होने में 1 से 2 हफ्ते का वक्त लग सकता है, डेनमार्क ने कहा। मैं चाहूंगा इसके बगल में विजुअल दिखाइए, ब्यूटीफुल ग्राफिक्स, और सीधे मैं के सिन्हा सर के पास चलूंगा। सिन्हा सर, आप उस वक्त कुछ कहना चाह रहे थे, योर पॉइंट सर। हाँ देखिए, एक थ्योरी है, आपको उसको नकारा ना करें, कि रशिया जब ये गैस पाइप लान जाता, कहां पर लीक है, लीक है स्वीडिश ईईजेड के ऊपर में, उनके ईईजेड के ऊपर में दो लीक वहां है, और डैनिश ईईजेड के ऊपर दो लीक हैं, ये चार लीक हैं। अब ये बताइए कि उनके इकोनॉमिक जोन के अंदर में रशिया आकर के इसको करता है, और मेरे अनुसार जो हम एनर्जी वॉरफेयर की बात करते हैं, जो एनर्जी की वॉर जो लॉन्च किया है उसका हिस्सा है। देखिए इसको रशिया कर सकता है, और इसको ये जो कह रहे हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा पम्प, आपको गैस प्रॉम जो है वो 51% ही उसका स्टेक है, चार कंपनियां हैं जो यूरोपियन यूनियन की हैं जो इनकी देखभाल, और ये सारा उनका इलाका है। तो देखिए ये जो चीजें हैं, अभी तो आप देखिए और क्या क्या होता है, आपने इस खिचड़ी में और तड़का लगा दिया सिन्हा सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये जो खिचड़ी है इसमें आपने और तड़का लगा दिया कि कौन होगा, बट एनीवे वी कैन नॉट फाइंड द रियल कल्प्रिट, वो तो अब एजेंसीज पता करेंगे, लेकिन